तो कनाडा इंडस्ट्री की तरफ से इस साल दोस्तों 120 करोड़ में एक मूवी बनी है जिसका नाम है कब्जा। कनाडा इंडस्ट्री वही है दोस्तों जहां से KGF 1, KGF 2 और पिछले साल ही कंतारा जैसी हिट मूवीज आई थी। तो चलिए जानते हैं कब्जा मूवी है कैसी। बहुत से लोग इसे KGF की सस्ती कॉपी बोल रहे थे। उस लोगों पे मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि भाई सच में ये KGF की कॉपी क्या, ये कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा वर्स्ट मूवी है ये। जब मैंने इस मूवी को देखना शुरू किया था, ये मूवी रिव्यू करना तो छोड़िए, लेकिन ये ऐसी हरकतें करता कौन है भाई। पूरी मूवी में मतलब ब्लैंक स्पॉट हमें दिख रहे हैं, पूरी मूवी में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ये चल क्या रहा था। और सबसे पहले तो इस मूवी के स्टार हमारे उपेंद्र राव जी, अगर आप उपेंद्र राव जी को नहीं जानते हैं तो ये सन ऑफ सत्यमूर्ति यानी अल्लू अर्जुन की एक मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, उसमें एक विलन का रोल किया है उन्होंने। बहुत ही बढ़िया रोल किया था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा फ्लैटेड रहे ये। इस मूवी में ब्रुटेलिटी की हद पार की गई है। जिस तरीके से इस मूवी का एक्शन है ओवर द टॉप, 120 करोड़ रुपए फूके गए इस मूवी को और पूरी तरीके से KGF की कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी मूवी फ्लैट जा रही है। बस बिल्कुल ही इस मूवी को देख के मज़ा नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश भी नहीं की गई है, और हिंदी डबिंग तो बहुत ही वाहियात है, वो क्रिंजी कॉमेडी, वो क्रिंजी पंच, वो ज़रूरत नहीं थी उसकी। जिस तरीके से इस मूवी की टोन है, वो अगर उस डार्क टोन को लेके ये मूवी सीरियसनेस पे चलती तो बहुत ही बढ़िया मूवी बन सकती थी, लेकिन मूवी की जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा घुमाई गई है और इतनी जगह से ये मूवी कॉपी लगती है कि मूवी देखने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अगर मैं सीधा सीधा स्टोरी की बात करूँ तो आज़ादी के पहले हमें दिखाया गया है कि दो भाई है, उसमें से एक भाई पुलिस वाला बनता है और अचानक से ही वो गुंडा बन जाता है। और जिस तरीके से छोटे छोटे रोल के कैमियो है सभी स्टार के, वो इतने ज़्यादा मतलब क्रिंजी है कि समझ नहीं आता है। जैसे ही कोई स्टार आता है और उसके बाद में उसे एस्टैब्लिश करने ही वाले होते हैं, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जिस तरीके से एक्शन दिखाया गया है भाई, पुराने साउथ मूवीज़ की याद आ गई। मतलब हीरो जब हाथ ही उठाता है तो 10 लोग ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, और जब दोनों हाथ उठाता है तो 20 लोग ऐसे ही गिर जाते हैं। मतलब पूरी फाइटिंग फ्लैशबैक में चल रही है, वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं दे रहा था। और जिस तरीके से हमारे हीरो की लव स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी ज़्यादा यूनिक है। मतलब हाँ, आपने पूरी तरीके से KGF की कॉपी करने की कोशिश तो की है, लेकिन कॉपी तो ढंग से करो यार, पूरी की पूरी पिक्चर ही फ्लैट चली जाती है। बस इस मूवी का एक ही प्लस पॉइंट है, वो है उसका एक्शन, और एक्शन भी इतना ज़्यादा फेकू दिखाया गया है कि पूरी तरीके से साउथ इंडस्ट्री को ये मूवी डिजर्व करती है। मैं कनाडा इंडस्ट्री से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ बॉलीवुड जैसा घटिया काम मत कीजिए, क्योंकि अभी कनाडा इंडस्ट्री से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से KGF के बाद में सब कह रहे थे कि हाँ बस वो एक शो चल गया, उसके बाद में नहीं चलेगा, और जिस तरीके से कांतारा आए और सबके मुंह चुप कर दिए कांतारा ने, बस यही उम्मीद है कनाडा इंडस्ट्री से कि भले ही एक साल लेट प्रोजेक्ट लाइए, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट लाइए कि वो सबके दिलों पर छा जाए। तो यही मेरा फाइनल रिव्यू है कब्जा के लिए। मुझे तो ये मूवी ज़बरदस्ती देखनी पड़ी क्योंकि मुझे मूवी रिव्यू करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो सोच समझ के जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।